की बाजी लगी हुई है, जो भाजपा को बचाएगा उसका हिसाब किताब करेंगे, ये कान खोल करके सुन लो साथियों। और ये जो टोल प्लाजा है, ये लूट की रजिस्टर्ड दुकानें है, किसान टोल नहीं देगा, कान खोल करके सुन लो, जो जबरदस्ती करेगा उसका इलाज करेंगे, ये बात पक्की है। अब लेने का नंबर है, अब लड़ाई लड़ेंगे, मिलकर के लड़ेंगे साथियों। एक आंदोलन हुआ, पूरी दुनिया ने आपके आंदोलन को से लूट किया, पूरी दुनिया में भारत के किसान आंदोलन को आदर्श मानते हैं, दुनिया के देश। लेकिन यह लड़ाई हमारी खत्म नहीं हुई है, यहां से हमारी लड़ाई शुरू हुई है और 2023 आपके सामने है। 24 में लोकसभा के चुनाव है, तमाम मांगे हमारे सामने है। सरकार ने वादा खिलाफी की, झूठ बोला। 2023 की तैयारी रखो, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ ध्यान दो। आपको दावे के साथ कहते हैं, या तो सरकार मांग मानेगी, नहीं तो सरकार की विदाई तय है। दिल्ली से सरकार जाएगी, सत्ता में नहीं रह सकती। साथियों, चार पांच बात आपके बीच में जरूर मैं समझा करना चाहूंगा। अभी पंचायती चुनाव के रिजल्ट आए, सरकार के ज्यादातर सरपंच आ रहे हैं हरियाणा में, पीडीसी और जिला परिषद आ रहे हैं। वो एक अलग बात है कि अब चेयरमैन से सारे भाजपा और जेजेपी वाले बना लो, लेकिन जनता ने अपना काम किया। और जो लोग किसान के नाम से, जो लोग आंदोलन के नाम से वोट लेकर के गए, आज वो सरकार की गोदी में बैठ रहे, उनको ये बात कह रहे हैं, जनता के बीच में रहोगे तो बार बार जीतते रहोगे और सरकार की गोदी में बैठोगे तो आगे से जीत रहे नहीं देंगे, ये भी सारे लोग बात कान खोल करके सुन रहे। साथियों, अभी ताजा ताजा रिजल्ट आया, हिमाचल प्रदेश से बीजेपी चली गई और गुजरात में दोबारा सरकार बना ली। सारे देश में उपचुनाव हुए, बीजेपी हार गई, लेकिन गोदी मीडिया केवल गुजरात की जीत दिखा रही है, बीजेपी की पूरे देश की हार नहीं दिखा रही। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, इन गोदी मीडिया के चैनलों को देखना बंद कर दो, नहीं तो ये नाश कर देंगे हमारा। इन चैनलों को देखना बंद करो। जब ये पत्रकार नहीं खरीद पाते तो ये चैनल खरीद लेते हैं। एनडीटीवी का उदाहरण आपके सामने है, अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया। साथियों, गुजरात में सरकार बनी, लेकिन आप सबको पता वो सरकार क्यों बनी? गुजरात में लोकतंत्र नहीं है, एक नई हवेली पार्टी आई, आम आदमी पार्टी। अगर गुजरात में इतनी सीट बीजेपी को आई है तो सबसे ज्यादा श्रेय अरविंद केजरीवाल को जाता है, वो बीजेपी का, बीजेपी की बी टीम बनकर के काम कर रहा है। हमारी लड़ाई चल रही है सरकार से, सेंटर की सरकार से भी लड़ाई है, स्टेट की सरकार से भी लड़ाई है। हमारे सर घर की बाजी लगी हुई है, जो भाजपा को बचाएगा उसका हिसाब किताब करेंगे, ये कान खोल करके सुन लो साथियों। एक बात आपके बीच में और कहना चाहता हूं, आज आपके बीच में बात करने का मौका मिल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की एक ताकत बनी इस देश में, जब संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को सरकार नहीं खरीद पाई तो सरकार ने नया षड्यंत्र चला दिया, अपने संगठन बनाने लगा। आरएसएस किसानों के संगठन बनाने लगा, पैसा आ रहा, फंडिंग हो रही है, आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग संगठन खड़े किए जा रहे हैं। वो आपके बीच में किसानों के नेता बन करके आते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। ये आरएसएस बड़ी खतरनाक है, ये अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। संयुक्त किसान मोर्चे की ताकत बढ़ा के रखना, हम संयुक्त किसान मोर्चा के साथ थे, उसके साथ रहेंगे, उसकी बात के ऊपर गर्दन भी कटवा सकते हैं और समुद्र में छलांग भी लगा सकते हैं। ऐसे संगठनों की और ऐसे नेताओं की पहचान रखना, जो बात तो जनता की करेंगे, किसान और मजदूर की करेंगे, लेकिन वो असल में आरएसएस के आदमी है।
आरएसएस उनको पैसा दे रहा, फंडिंग कर रहा आरएसएस उनकी। साथियों, पिछले 90 दिन से यहां आंदोलन चल रहा है और पता नहीं जिस टाइम की नहीं बनी होगी अभी मांग के ऊपर या बनी है। कुछ सेम थी पिछले दिनों भी हम यहां आए थे, 90 दिन हो गए, नक्शा मांग रही थी कमेटी, मिला है कि नहीं मिला? नक्शा दे दिया, नहीं दिया, हमने अपना तो दे दिया लेकिन उन्होंने अपना नहीं दिया। आज की इस महापंचायत से हम सरकार को और एनएचएआई को ये बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं, 90 दिन हो गए, चाहे कितने भी दिन बैठना पड़ जाए लेकिन बगैर रास्ता लिए उठेंगे नहीं, बहनाए से फैलने वाले। और जो यहां का विधायक है जेजेपी का और जो यहां के जनप्रतिनिधि है उनको एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं, हम सड़क के ऊपर बैठे हो, तुम एसियों में बैठे हो, हम केवल रास्ता मांग रहे हैं, सोना चांदी नहीं मांग रहे, या तो रास्ता दे दो नहीं तो उल्टा लटका देंगे बात कानपुर के सुनो। इसके लिए तैयार हो कि नहीं हो तैयार, दोनों हाथ उठा करके बताओ। तो साथियों, हिसाब सबका होगा लेकिन संगठन में ताकत है। मैं आज आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, सभी धर्मों का साथ लेकर चलना पड़ेगा, सभी जातियों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। हम जो है एक होकर के लड़ाई लड़ेंगे, जब सारे नेता एक हैं, सारी पार्टियों वाले एक हैं, तो फिर हमें एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम एक होकर के लड़ेंगे तो जीतेंगे, हारेंगे नहीं। तो हमें हराना चाहते उनके गोटे तोड़ देंगे, इनको पता होना चाहिए एक बात। साथियों, एक तो बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, अभी गन्ने की बात भी चल रही है, एक महीने से ज्यादा समय हो गया, किसान जो है मिल में गन्ना डाल रहा है लेकिन उसके हाथ खाली है। विधायक अपनी पेंशन बढ़ाते हैं, भत्ते बढ़ाते हैं, सरकार ने भी पास किया अधिनियम, अपने भत्ते बढ़ा लिए, अपनी सुविधाएं बढ़ा ली, लेकिन एक महीना हो गया सीजन को सरकार ने गन्ने का नया मूल्य घोषित नहीं किया। और हमारी मांग है कि सरकार जो है 400 रुपए प्रति क्विंटल कम से कम गन्ने का रेट तय करे, इससे कम हमें मंजूर नहीं है। साथियों, आप सबको यह जानकारी होनी चाहिए, 7-8 मांगों के ऊपर हम आगामी आंदोलन लड़ेंगे। एमएसपी का गारंटी कानून, अग्निपथ योजना की वापसी, लखीमपुर खीरी में संपूर्ण न्याय, वहां की जो लोकल कोर्ट है उसने भी यह तय कर दिया कि जो गृह राज्य मंत्री टैनी का बेटा उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। 302-307 आरोप तय हो चुके हैं, आरोप तय हो चुके हैं लेकिन वो काफी नहीं है। सो टैनी का बेटा है वो तो जेल में है लेकिन हमारी लड़ाई जो है उस कांड का जो साजिश करता है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो अमित शाह का डिप्टी है उसको भी जेल के सलाखों के पीछे घुसाएंगे, तब जाकर के लखीमपुर के शहीदों को न्याय मिलेगा। साथियों, बिजली बिल की वापसी अभी बात हो रही थी और 3 नए मुद्दे, 60 साल के बाद किसानों को पेंशन मिले, पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है वो कंपनियों को फायदा ना पहुंचा करके किसान को फायदा पहुंचाए, ये करीब करीब 7 मुद्दे हैं। 2023 का साल आंदोलनों का साल है, पूरी तैयारी कर लो, सरकार से टकराएंगे और जीत करके आएंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे पूरे देश के किसान। साथियों, आज जो यहां महापंचायत रखी पूरी कमेटी का भी धन्यवाद करते हैं और आप सब काम के समय में भी इतनी बड़ी संख्या में आए, और सबसे बड़ी बात हमारी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई है, और हम बार बार यही बात कहते हैं कि जिस आंदोलन में हमारी माताएं बहनों की भागीदारी होती है वो
वो आंदोलन जीत लिया जाता है, केवल घोषणा बाकी होती है। मेरी माँ और बहनों का बहुत धन्यवाद। और एक अंतिम बात बता करके, टोल के लिए बार बार बात चलती है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो झंडे लगी हुई गाड़ियां है या जिनके पास पहचान पत्र है, 152 डी पे भी हमने आना जाना शुरू किया। अभी 152 डी पे हम गए, परसों की बात है, टोल पे गए तो कहा जी यहाँ तो सेना की भी छूट नहीं है, यहाँ तो पुलिस की भी छूट नहीं है। हमने कहा भाई किसकी छूट है और किसकी छूट नहीं है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमारी छूट है और हम नहीं जाएंगे, बताओ जाने दो भी रोकोगे। बोले जी हमने कब मना किया, तो साथियों अपनी ताकत को बढ़ा के रखो, ये टोल टैक्स गुंडा टैक्स है और ये जो टोल प्लाजा है ये लूट की रजिस्टर्ड दुकानें है। किसान टोल नहीं देगा, कान खोल करके सुन लो, जो जबरदस्ती करेगा उसका इलाज करेंगे, ये बात पक्की है। ये तो 152 डी बना, यही होगा 152 डी। 152 डी जो बड़ा सामने से जा रहा, 152 डी किसान का ट्रैक्टर नहीं जा सकता, तिपैया वाहन नहीं जा सकता, मोटरसाइकिल नहीं जा सकती, ये कंपनियों के लिए बन रहे, अडानी अंबानी के लिए बन रहे, रेल की लाइनें बनेगी साथ में, यहां पर कंपनी लगेगी, फैक्ट्री लगेगी, माल की सप्लाई होगी। किसान को खत्म करना चाहते, खेतों को खराब कर दिया, पानी की निकासी नहीं हो रही है, आपकी जमीन छीनना चाहते हैं, आपके बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, आपके बच्चों को नशों में धकेलना चाहते हैं। सरकार की बहुत बड़ी साजिश है, नस्ल भी बचानी है, फसल भी बचानी है। और साथियों हमारी रगों में हमारे पुरखों का खून दौड़ता है, जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, सरकारी बात पर खोल करके सुनते। तो साथियों आप सबने मुझे सुना, सबका धन्यवाद, पूरी कमेटी का, हमारी बहनों का, सबका आभार है। ज्यादा समय लिया हो तो माफी चाहूंगा, हमारे बहुत सारे नेता हमारे बीच में, और मैंने पहले निवेदन किया था क्योंकि एक बार हमें चरखी दादरी जाना है तो हम आपसे आज्ञा लेकर के निकले भी गए, और एक बार जोरदार नारे और आपको पूरा इस बात का भरोसा और आश्वासन देते हैं, साबरी वाले और भिड़तारा वाले चिंता ना करो, जीत के जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे, ये बात तय है। और आगे खड़े जहां जरूरत पड़ेगी, हम बाद में पंचनामा करने वाले नहीं है, जहां जरूरत पड़ेगी आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी। यहां प्लांट के गेट पे ताला लगाया, एमपी के भरोसे से ताला खोला गया, लेकिन हम एमपी साहब को भी कहना चाहते हैं ठीक टाइम पर काम करवा दो, नहीं तो प्लांट के ताला फेर लगा जाना, किसे टाइम मोहबड़ी हो। और नजदीक में टोल भी है, हम घबराने वाले नहीं है, हमारी लड़ाई जो मजबूती के साथ चलेगी। सबका धन्यवाद, सबका आभार, और मेरे साथ जोरदार नारे लगाएंगे।